मम्मी 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 अरे मम्मा मम्मा माई याद आती है। नहीं ओ भाई फ्लाइट दिखी क्या भाई? देखो ठुकेगी, अरे ठुकेगी दोनों, क्रैश होने वाला है देखो। ओ भाई साहब, तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक बिग बुद्धा के टेंपल में, और है सामने ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, 500 स्टेप्स है, देखते हैं चलते वहाँ पे कैसा सीन है, दिखाते हैं आपको भी। हाँ खूबसूरत है भाई ये जगह, और सीढ़ियाँ तो देखो कितनी स्टीफ है ऊपर तक, बोलते हैं कि 500 सीढ़ियाँ है, पता नहीं देखते कितनी है। दोनों साइड में अशोक स्तंभ बने हुए हैं अपने, वाह क्या बात है, अशोक स्तंभ के प्रतीक यहाँ पे देखने मिले, मतलब ये अमेजिंग बात है। और ये बरगद तो नहीं लग रहा, बट कोई तो भी एक वृक्ष है, बड़ा सा पेड़ है, और कितनी सीढ़ियाँ है पता नहीं, देखते अभी चढ़ के पता चलेगा इसके बाद। और दोनों जगह पे ना ऐसी वॉल पे कुछ पिक्चर बने हुए हैं जो कि यहाँ की हिस्ट्री बता रहे हैं क्या एग्जैक्टली। तो अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं किस तरह से है, पूरा कार्विंग किया हुआ है लगता है ये बुद्धा का स्टैचू। ये देखो अशोक स्तंभ बने हुए हैं और दोनों साइड में ये लाइन भी बना हुआ है। ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है दोनों, नहीं एक का टकला अलग है, एक का टकला अलग है। और चाचा यहाँ पे बैठे हैं, लॉटरी बेच रहे हैं। नो थैंक यू, थैंक यू। हाँ ये बहुत ऊंचा है यार, कैसे चढ़ेंगे? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस चौंतीस रुको भाई 50 स्टेप्स चढ़ाऊंगा और हालत टाइट हो गई अपनी। ये देखो यहाँ से नज़ारा जो है ना वो वाकई काबिले तारीफ है, वाकई काबिले तारीफ है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ अच्छा होता है तो वो नज़ारा काफ़ी अच्छा है, मस्त है। देखो कितना खूबसूरत बीच दिख रहा है पूरा। चलो ऊपर चलते हैं और चेकआउट करते हैं कि क्या है एग्जैक्टली इसमें। अभी तक तो कोई ये दिखा नहीं। ओ भाई फ्लाइट दिखी क्या? भाई देखो ठुकेगी, अरे ठुकेगी दोनों, अरे दोनों ठुकेगी, क्रैश होने वाला है देखो। ओ भाई साहब क्या बाल बाल बच गए। अभी इतना पास से देखा यार, अब भी क्रैश हो जाते दोनों के दोनों। वाव अमेजिंग। ओ भाई ये देखो रैप्टर, रैप्टर रैप्टर। ओ मम्मी मम्मी ओ मम्मी अरे बाप ओ ये भाई साहब ये देखो स्नेक कितना खतरनाक है। अरे यार मम्मी मम्मी इज डेंजरस। ओ भाई साहब ये बहुत डेंजरस है। अरे यार इतना खतरनाक सा, और इतने पास से मैं पहली बार शूट कर रहा हूँ स्नेक को। आज तो अतुल भाई की लग जाती हूँ आठ पूरी। मम्मा 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 माई याद आती है। अरे बाप रे बहुत खतरनाक था यार, आज तो जाते पूरा। चलो और ना एक और बात पता चली है कि ये जो है बुद्धा का मूर्ति, ये सबसे बड़ा मूर्ति है, बैठे हुए बुद्धा की सबसे बड़ी मूर्ति, खड़े बुद्धा की सबसे बड़ी मूर्ति भी है, बट ये जो है ये सबसे बड़ी मूर्ति है बैठे हुए बुद्धा की। चलो अभी तक इतना रास्ता हम तय कर चुके हैं, रास्ते में एक एडवेंचर मिल गया, सांप मिल गया। और ये चीचा देखो कैसे देख रहे हैं। ये इधर वाले चीचा भी
कुछ फन कर रहे हैं ऐसे पूरे यहाँ पे स्कल्पचर बने हुए हैं, यहाँ पे ऊपर में भी है, यहाँ पे। और एक बात जो है, आज का दिन जो है वो लास्ट है मेरा अतुल भाई के साथ, मेरा भी सेम। तो बहुत अजीब फील हो रहा है। अतुल भाई और क्यू जो है, इनका नाम क्यू है, तो ये क्यू और अतुल भाई आज यहाँ से निकल जाएंगे हो ची मिन्ह के लिए, और मैं निकल जाऊंगा दनांग के लिए। जय माता दी, जय माता दी रॉक्स। देखो पूरा मूर्ति यहाँ से क्लियर दिख रहा है, विजन जो है पूरा आ रहा है। अभी जो है आधे से ज़्यादा चढ़ चुके हैं, थोड़ा ही बाकी है। यहाँ से भी व्यू जो है सिटी का पूरा आ रहा है, कहीं और से दूर से हम लोग आए ऐसे। हाँ बहुत खूबसूरत जगह है, शांत है। वाह, एक बात तो है भाई, माननी पड़ेगी बुद्धा को कि पूरी दुनिया में फैले हुए है। हाँ। अभी ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सिर्फ 20% बाकी है चढ़ना, और यहाँ से जो है और लेफ्ट साइड का भी जो सिटी है उसका नज़ारा दिखने लगा है। समुद्र का कलर आप देख सकते हो, पूरा ग्रीन हो रखा है। पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पीछे बारिश हो रही है। इस साइड में आपको विंड मिल दिख रही है, बहुत सारी रेत वाला फीलिंग आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये समुंदर से सटके हुआ है। हाँ हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, मस्त है। थैंक यू क्यू फॉर टेक अस टू हियर्स, और वाह अमेजिंग, गजब, थैंक यू सो मच। हमारी फोटोग्राफर भी बन चुकी है अभी की हो, तो अभी थोड़ा सा ही बाकी है ऊपर पहुंचने के लिए, फिर आएगा असली मज़ा। बट यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना मूर्ति का, वो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। हाँ वाह भगवान, 20% करते करते और कितना चढ़ा देंगे भगवान, पता नहीं। अभी तो मतलब थोड़ा ही बाकी है ऐसे समझ लो। देखो और ये देखो, यहाँ से एक बीच में एक पोर्शन बना हुआ है जहाँ पे आइसक्रीम वगैरह मिल जाएगी आपको। हाँ ये चचा गुस्से में खड़े हैं यहाँ पे, भद्रा। यहाँ पे एक हिंदी में लिखा हुआ है भद्रा नकुला, पता नहीं ये शायद रूप है। हाँ बुद्धा का ही रूप है। और यहाँ से देखो अभी जो नज़ारा है ना, वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है पूरा। देखो यहाँ पे जितने भी ये है विंड मिल, वो सारी दिखेंगी। इस साइड में खेत भी दिख रहे हैं आपको, और पूरा स्काई, समुंदर और सिटी। ओ माय गुडनेस, इट्स सो ऑसम फील्ड। यस यहाँ पे खेत भी है, हाँ बीच, माउंटेन्स, खेत, अमेजिंग है, ब्यूटीफुल है। और वहाँ से कहीं से हम लोग नीचे से आए हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है वापस बहुत दूर, अमेजिंग। यहाँ पे रुकने का फ़ायदा हुआ है, और एज़ यूजुअल मुझे ऐसी जगह पे आने का बड़ा मन रहता है, बड़ा शौक होता है ऐसी जगहों का। तो आज फिर से मेरा एक सपना साकार हो गया है, और थोड़ा सा बाकी है साकार होने में। बड़ी परीक्षा ले रहे हो बुद्धा जी इतना ऊपर चढ़ा के। ऊपर चढ़ने के बाद में अगर निराशा हुई ना तो बहुत ये हो जाएगा। यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है, अगर हो सके तो मैं जाना चाहूँगा इस पर। क्यों, कैन वी गो देयर ऑन दिस? नो, नहीं है क्या रास्ता? ओके इट्स डेंजरस, तो थोड़ा ही बाकी है अभी, आ ही गए मतलब। चलो, और इस साइड में भी ना कुछ टेम्पल है, शायद इधर से भी एक रास्ता है ऊपर आने के लिए। पगोड़ा है ना? हाँ, इसने बताया था पगोड़ा। अच्छा ओके, यहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा है, मैं बार बार वही कह रहा हूँ। और वो देखो उधर से ना बादलों के बीच में से सूरज अपनी किरणें डाल रहा है बाहर आपको दिखाने के लिए। और ये हिरन पे चचा बैठे हुए हैं, और ये डराते हुए चचा है, कनकवता। हाँ, अमेजिंग सच में ब्यूटीफुल। फाइनली भाई हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे शांति से बात करने का मन कर रहा है।
एक दो तीन आई बा मतलब एक दो तीन, और ये देखो चार तीन मुस्टंडे एक बड़ा सा घड़ा लेकर के, पता नहीं ये क्या सीन है एक्चुअली, बट अच्छा है। कैन आई स्टैंड ओवर हियर नाउ? तो इसमें क्या है? अच्छा अगरबत्ती है, अच्छा अगरबत्ती लगाने के लिए है ये बड़ा सा, और भाई पूरा मार्बल का बना हुआ है देखो। आ ये देखो भाई, ओ हो सुपर, कितना खूबसूरत मूर्ति है। थोड़ा एक चक्कर लगाते हैं यहाँ पे अभी, और ऊपर चढ़ने के लिए भी है जगह, लेट्स गो। और यहाँ पे देखो नीचे में मूर्ति है, अंदर में मंदिर है। अंदर चलते हैं पहले, तो जूते भीते निकाल लो बाहर। हाँ ओ माय गुडनेस, भाई साहब ये क्या है, अमेजिंग ब्यूटीफुल, कितनी शांति है, ये सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और हर एक स्क्वायर में ना बुद्धा की मूर्ति है, देखो आप नोटिस करो, हर एक स्क्वायर में बुद्धा की मूर्ति है। कितना शांत, कितना खूबसूरत है यार ये सब। इतनी शांति है ना, दिमाग पूरा सुन्न हो गया यहाँ पे आकर के। अभी बाहर आए हम लोग, और यहाँ से ऊपर भी चलते हैं, और ना यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है भाई। यहाँ पे ये चाचा लोग ना बिंदा सिगरेट विगरेट पी रहे हैं, मतलब यहाँ पे भगवान को भी सिगरेट चढ़ाते तो क्या, थोड़ा सा अजीब लगता है अपने को, बट ठीक है। ये देखो इधर सुसु भी कर रहे हैं, क्या है। हाँ जगह काफ़ी अच्छा है,
ये यहाँ पे थोड़ा बैठने के लिए बनाया है लोगों को, और इस साइड में भी बहुत खूबसूरत व्यू आपको दिखेगा। तो अब ऊपर चलते हैं थोड़ा और देखते हैं यहाँ से नज़ारा कैसा है। और ये ऊपर आने के बाद में ये देखो नज़ारा, यहाँ पे पत्थर पे कार्विंग किया हुआ है बुद्धा को। पूरा सिटी दिखता है यहाँ से। तो बुद्धा जब मेडिटेशन में थे तो उनके सर पे ये जो दिख रहा है ना ऐसे ऐसे शेल, तो वो है स्नेल्स। तो वो 108 स्नेल है और उन्होंने अपना घर बना लिया था। यहाँ से देखो भाई क्या नज़ारा दिख रहा, खूबसूरत सा समुंदर, जो अथांग सागर बोलते ना वो यहाँ से दिख रहा है पूरा। ये देखो नज़ारा पूरा। वाओ, यहाँ पे आना सच में वर्थ रहा हमारे लिए, ये सच में स्पीचलेस है। पहली बात तो इसको यहाँ पे बनाना ये बहुत मुश्किल है, और ना अभी भी पीछे काम चल रहा है। और यहाँ का कंस्ट्रक्शन देख सकते हो आप कितना नीट एंड क्लीन है, बहुत प्यारी जगह है। वियतनाम अगर आते हो तो इस जगह को कभी मत भूलना, यहाँ पे आना ही है आपको। होता क्या है कि बहुत सारे लोग ना हनोई, हो ची मिन्ह और दनांग यहीं पे जाते हैं, इस जगह पे कोई आता नहीं है। ये देख सकते हो पीछे सूर्यास्त होने जा रहा है और कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो ये जो जगह है ये दनांग और दलाद से पहले आती है, दनांग और दलाद के बीच में आती है। और जैसे ही आप हो ची मिन्ह से एंट्री करोगे, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया एक्चुअली ऑलरेडी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अगर आप हनोई से एंट्री करते हो तो आपको दनांग और दनांग के बाद में ये जगह आएगी दलाद से पहले, और फिर आपको हो ची मिन्ह जाना पड़ेगा। तो देख लो बीच में है ये, सेंट्रल में आता है, यहाँ से 17 घंटे का रास्ता है हनोई तक का। अमेजिंग, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कैंपिंग कर ले रात में किसी पहाड़ पे। खूबसूरत है, और एक इम्पॉर्टेंट बात अगर आपने नोटिस नहीं की है तो मैं आपको नोटिस करा दूं कि यहाँ पे आपको मंदिर में या फिर वॉल पे कहीं भी आई लव यू बंटू चंटू सोनू प्रिया कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी किसी ने भी अपनी कलाकारी नहीं दिखाई है। हाँ मैं ये बोला कि यहाँ पे लोग सिगरेट पीते हैं, ये करते हैं मंदिर में, बट ये कलाकारी नहीं की है। इसकी जो पवित्रता है, इसका जो ये है रख रखाव है, वो बहुत अच्छी तरीके से रखा हुआ है। ये कलाकारी मत दिखाओ यार, बहुत ख़राब लगता है। और बादल पूरी तरह से भर चुके हैं चारों तरफ से, और लगता है कि हमें आज भीगना पड़ेगा, जाते जाते हमें भीग जाना होगा क्योंकि बारिश होगी 100% ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत बहुत बड़े बड़े बादल आ रखे हैं और हमें उधर कहीं जाना है उस पहाड़ी से पीछे, वहाँ बहुत लंबा जाना है यार, कम से कम 20-25 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही होगा। मुश्किल है यार, हट फंस ना जाए बस, बाकी कुछ नहीं। गीले हो गए ना तो कपड़े भीग जाएंगे, और रात में ट्रैवल करना है तो मुश्किलें बढ़ जाएगी, बाकी कुछ नहीं। बड़ा सा कमल बना हुआ है, कमल के ऊपर बुद्धा विराजमान है। और सनसेट होते हुए सनसेट ही देख लो, वाह बहुत खूबसूरत यार। थोड़ा 5 मिनट रुक जाते ना ऊपर में तो अच्छा सनसेट देख सकते थे, बट चलो कोई बात नहीं, सनसेट हो चुका है अभी। एक तरफ अथांग सागर है तो दूसरी तरफ
अथांग अथांग नहीं बोलते, धरती माता है यार। एक जगह पे बैठ के ना आप देखो पंचमहाभूते देख सकते हो, है ना, पानी है, पृथ्वी है, आकाश है, सूर्य है, और है ना, पृथ्वी आकाश सूर्य जल वायु है। तो ये देखो एक जगह पे बैठ के आप पंचमहाभूतों का अनुभव ले सकते हो, इतना खूबसूरत है ये चाय। वाव। थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रेक करने के बाद में आप पहुंच जाते हो ये पगोड़ा में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। ओह माय गॉड, एक बात तो यार यहाँ पे ना शांति की कमी नहीं है। और ये पीपल का वृक्ष है जो कि बोंसाई बना हुआ है, पीपल को भी बोंसाई बना दिया यार इन लोगों ने। भाई पीपल देखा, बोंसाई बोंसाई पीपल है। ये देखो ये भी आम का पेड़ है शायद ना, ड्रैगन बना हुआ है, लैंगटन है। इनका मानना है कि ये जो है ये और पता के इनमें जो मंत्र लिखे होते हैं ना वो हवा से पूरे प्रांगण को शुद्ध कर देते हैं। इन पे मंत्र होते हैं, इस पे तो नहीं होगा, बट ये पता के जो है ना वो स्वयंभूनाथ देखा है ना आपने नेपाल का, उसमें पता के लगे हुए ऐसे पूरे, ओम ओमनी स्वाहा ओम माने पद्मे हम। मॉनेस्ट्री है क्या बोला है, पगोड़ा पगोड़ा मॉनेस्ट्री, मॉनेस्ट्री जैसा ही है ना, एक ही होगा ना, क्या है घंटा है ना ना इससे इसको लेकर के इसे। देखो बस 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 बजाए जा रहे हो, बजाए जा रहे हो। वो क्या स्कूल का घंटा है। ये देखो थांग नांग क्यू वन बी, पता नहीं क्या है। अच्छा ओके ओके। वाव सुपर्ब, यहाँ पे भी आप अगरबत्ती लगा सकते हो और इसमें भी मछलियाँ है देखो। अरे हाँ हाँ भाई वो इसके लिए है ना, प्लेन के लिए। भाई वो प्लेन बाल बाल बचे वो हमें लग रहा है लेकिन ऊपर क्रैश होते होते। यहाँ पे भी कार्विंग किया हुआ है।